क्या आपको कोर्स लेना चाहिए? कोई भी अगर ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग करा रहा है या फिर आपको कोई भी कोर्स बेच रहा है ये कह के कि आप इसमें ये कोर्स देख लो, आप बहुत प्रॉफिट कर लोगे, लाखों करोड़ों का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, पोर्टफोलियो आपको बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको कई सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है वो आप जान जाओगे। तो इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना, तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको कोर्स लेने की जरूरत ही क्यों है? आखिर क्या जरूरत आ गई कि आपको कोर्स लेना पड़ रहा है? क्या आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर आपको ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग या फिर इन्वेस्टिंग आपको कुछ भी नहीं आता है? अगर नहीं आता है तब तो फिर जरूरी है भाई, कोर्स लेना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है। जैसे स्कूल में जाते हो आप तो ABCD सीखते हो, धीरे धीरे आप वहां पे ग्रेजुएट होते हो तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर करना चाहते हो तो उसके लिए भी तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये गाड़ी चलानी है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, अगर इसको भी चलाना है तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप एडमिशन लेकर सीखोगे या फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसे ड्राइवर से सीखोगे या फिर ऐसे एक्सपर्ट से सीखोगे जो गाड़ी सच में चला रहा हो, तो उसके लिए तो आप सीख सकते हो। बट शेयर मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो PNL एडिट करके दिखा रहे हैं आपको, तो क्या वो जेन्युइन हैं? क्या वो उनका सिखाने का तरीका सही है? तो देखो दोस्त, जिनका समझ में आए आप उनका सीखो। स्कूल में आप देखोगे तो कई सारे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, तो कोई हिंदी का होगा, कोई मैथ्स का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, कोई सोशल साइंस का होगा। आपको क्या करना है, आपको सारे टीचर कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लगते होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो सबके फेवरेट बन जाते हैं। तो उस तरीके से आप देखो शेयर मार्केट में आपको कौन सबसे अच्छे तरीके से समझा पा रहा है, कौन आपको अच्छे तरीके से बता पा रहा है, किसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसका वीडियो देखो, उसको सीखो जो वो समझा रहा है। आप कहोगे कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो YouTube में ना सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं गाइस। आप जाके वहां पे सर्च करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपको बस क्या करना है, YouTube में अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस टॉपिक को आप देख के इजिली समझ सकते हो और सीख भी सकते हो। तो इसके लिए अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप आराम से जाके YouTube पे सर्च करके सीख लो। पर अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेंटोर है वो आपको सिखाए, तो भाई जाहिर सी बात है अगर मेंटोर वहाँ पे कोई भी पेड क्लासेस चला रहा है या फिर पेड कोर्स ला रहा है तब तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, आप जब कोर्स परचेस करोगे तो वहाँ क्या होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे सीखना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, रेगुलर आपको वहाँ पे होना। तो दोस्त उसी तरीके से शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हो या फिर किसी का भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, किसी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। बस आप ऐसे चक्कर में मत पड़ो कि फेक PNL फेक अगर हो रहा है, एडिटेड PNL दिखाया जा रहा है तो क्यों दौड़ रहे हो उसके पीछे, वो उसका PNL है, अगर वो फेक भी है उसका है, जेन्युइन भी है तो उसी का है, आपको उससे क्या लेना देना है ये बताओ, आपको उससे क्या करना है? वो PNL फेक दिखाए PNL मत दिखाए, आपको PNL से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। PNL उसका है, प्रॉफिट उसका है, लॉस उसका है, वो चाहे तो दिखाए चाहे तो ना दिखाए, बस आप अपने लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपको कोई टीचर अच्छे से समझा रहा है, अच्छे से बता रहा है, तो उस चीज पे आप फोकस करो कि मुझे सीखना है और मुझे सीख के खुद का PNL मेंटेन करना है, दूसरे का स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, दूसरे का स्क्रीनशॉट नहीं मांगना है, दूसरे का PNL देख के आपको क्या करना है बताओ, क्या करना है आपको, बस सीखने पे फोकस करना है। बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं अगर वो कोर्स सेल करना है तो कोई बात नहीं, वो उनको करने दो, आपको अगर सीखना है जिससे भी सीखना है, अगर वो कोर्स ला रहा है फ्री में बता रहा है तो आप सीखते रहो। बाकी अगर YouTube से सीखना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सीखो, कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आप YouTube पे भी चार्ज देना पड़े, वहां पे सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देखो सीखो समझो। मेन चीज ये है कि आपको मार्केट में सस्टेन करना है, ये नहीं कि आप उनका कोर्स खरीद लो, उनका कोर्स खरीद लो, उधर खरीद लो, उधर खरीद लो। कोई ये कह रहा है कि ये कोर्स देखोगे तो आपका PNL डबल हो जाएगा, ये कोर्स देखोगे तो आपका PNL और बढ़ते चला जाएगा, एकदम बढ़ेगा। देखो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि ये देख लो ये कर लो तो आपका हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, वो आपको क्या करना होता है कि लॉसेस कट करने होते हैं, कम लॉसेस हो प्रॉफिट ज्यादा हो, इस तरीके से आप अगर प्लान करते हो तो अच्छा कर लोगे। बस एक चीज ध्यान देना,
इस वीडियो का बनाने का मेरा यही मोटिव था, आपको थोड़ा सा क्लियर करना, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज में थे कि कोर्स लेना है नहीं लेना है क्या करना है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि कोर्सेज लूँ ना लूँ। भाई अगर आपको समझ में आ रहा है किसी को तो उसका आप देखो, फ्री में समझ में आ रहा है फ्री में देखो, पेड समझ में आ रहा है तो पेड देखो, आप कुछ ना कुछ वैल्यूबल कंटेंट मिलेंगे। हो सकता है कि आप एक पॉइंट पे चूक रहे हो और वो पॉइंट अगर आपको उस कोर्स में मिल गया या फिर उस वीडियो में मिल गया तो आप तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडर बन गया ना, आपको समझ में आ गया ना चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ें पता है, बिल्कुल नहीं पता है। और शेयर मार्केट इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड है कि अगर आप बैठोगे एक्सप्लोर करने तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप जेन्युइन चीज़ समझ करके जेन्युइन चीज़ देखोगे तभी आपको बहुत अच्छा शेयर मार्केट में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अभी क्या करो, आप लोग आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। पीएनएल के पीछे बिल्कुल भी मत दौड़ो, एकदम पीएनएल के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। आपको सिंपल अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप पे काम करना है। अगर आप अपने ऊपर काम कर ले जाते हो, अपना बना लेते हो किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, प्रॉफिट बनाना है, वो तब आप वहाँ पे अच्छा कर पाओ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो जरा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।